शिवपुरी के ग्राम इटवा के रहने वाले ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को जनसुनवाई में एक आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि दबंग ग्रामीणों ने उनके रास्ते पर कब्जा कर लिया है और वहां से निकलने नहीं देते हैं। आए दिन झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। जानकारी के अनुसार वीरू सिंह पुत्र मथुरा सीताराम लखन शत्रुघ्न बालकिशन चंद्रशेखर निवासी इटावा ने आज कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि वह ग्राम इटवा में निवास करती और लगातार वो अपनी कृषि भूमि कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 50 सालों से जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस पर गांव के ही अर्जुन सिंह पुत्र माखनू माखनलाल पुत्र भगवान एवं आदिवासियों की भूमि है और आने जाने वाले रास्ते पर अर्जुन सिंह एवं माखनलाल ने रास्ते पर पानी भर दिया है और रास्ते को जोत कर गेहूँ की फसल कर रहे हैं। वहीं रास्ते में जार डाल दिया है जिससे हम 50 वर्षों से निकल रहे हैं। रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया है। विरोध करने पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और फसल नष्ट हो रही है। साहब हमारा मेरा नाम जगन्नाथ रावत ईटमा से। क्या समस्या लेके आए? हम रास्ता के संबंध में आए साहब। क्या हो गया? हमारा रास्ता बंद कर दिया, बच्चे में लट दे दिए और हमारी बच्चे पढ़ भी नहीं जा रहे। फसल क्रेडर टमाटर की भरी पड़ी है और वही सड़ रही है। 4 दिन हो गए हमारे रास्ता में। परसों के दिन आया, दो लड़के मजदूरी करके जाते हैं तो उनमें लट दे दिया है। कौन ने? माँ कर्ण के पुत्र अर्जुन और राम अवतार ने। जमीन कौन की है? सरकारी है क्या उनकी जमीन? है वो जमीन वही की पड़ती है। क्या फादे की है? पट्टे की है? नहीं, पट्टे से आदिवासी का पट्टा है। तो जमीन में अभी निकलता है तुम बराबर? 50 साल पुरानी हमारी बेही घर बनी है। बेही हमारे नए गाँव में कोई रहना नहीं है। हमारी भूमि पे रहते हैं फार्म पे। पटवारी तो गया, उनने एक बार भजा दिया। दरोगा भी आया, अभी कुछ नहीं किया। हमारी कोई सुनवाई नहीं है साहब। विवाद की वो माने वो फसल भाई जूत गए और जार रख दे, जार हटा के बच्ची गया आगे जाके वहां घर पड़ता है रस्ते पे। और ये कहा लड़िया डाल दूसरे ने लट दे दिया। हाँ रिपोर्ट करिए साहब। फिर क्या हुआ? फिर दौरा कर गो धीमान जी आओ थे, दोनों पाल जी आ जाना। अब हम हमारी पिट गया और हम ही चले जाना साहब थे। हमने मना कर दी, हम तो सभी कलेक्टर साहब के जाएंगे। हम रास्ता चाहते हैं कि 4 दिन आओ वही दूध ना में हमारा रास्ता खुलने का आदेश मिल जाए हमें। पटवारी द्वारा पुलिस द्वारा पुलिस वाले कह गए कि हमको तहसीलदार साहब आदेश दे दें तो हम सभी मुड्डी गाड़ जाएंगे। पुलिस वाले ने जे किया है हमसे तो बस।